गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई अलका फ्रॉम श्री शंकराचार्य महाविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि MSc सेकेंड सेमेस्टर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से लिया गया है, जिस टॉपिक का नाम है गामा फंक्शन। देखिए, गामा फंक्शन के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि गामा फंक्शन उससे रिलेटेड उसकी हिस्ट्री, प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपने पास आते हैं 9 प्रॉपर्टी, जिसमें कि फर्स्ट इज़ जनरल, सेकंड इज़ पाई आई फंक्शन, थर्ड इज़ पर्टिकुलर वैल्यूज़, फोर्थ इज़ इनफाइनाइट लिमिट, फिफ्थ इज़ डिफाइन इंटीग्रल, सेकंड डेफिनेशन आल्सो कॉल्ड यूलर्स फॉर्म, सिक्स इज़ इनफाइनाइट प्रोडक्ट, सेवन्थ इज़ फैक्टोरियल नोटेशन, एट्थ इज़ डबल ए फैक्टोरियल नोटेशन, एंड नाइन्थ इज डाई गामा फंक्शन, दैट इज़ अ एंड रिफरेंस। देखिए, गामा फंक्शन क्या होता है? द गामा फंक्शन ए लॉन्ग पार्ट ऑफ द रियल एक्सिस। द गामा फंक्शन इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टोरियल फंक्शन विथ इट्स आर्ग्यूमेंट शिफ्टेड डाउन बाय वन टू रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि गामा एन इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। द गामा फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट द नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर विथ अ पॉजिटिव रियल पार्ट, इट इज़ अ डिफाइंड वी अ कन्वर्जेंट इम प्रॉपर इंटीग्रल। तो गामा ऑफ टी इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव एक्स टू द पावर टी माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। दिस इंटीग्रल फंक्शन इज एक्सटेंडेड बाय एनालिटिक कंटिन्यूएशन टू ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट द नॉन पॉजिटिव इंटीजर, वेयर द फंक्शन हैज सिंपल पोल्स। इल्स द मेरोमॉर्फी फंक्शन वी कॉल द गामा फंक्शन। द गामा फंक्शन इज अ कंपोनेंट इन वेरियस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड एज सच इट इज एप्लीकेबल इन द फील्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज कॉम्बिनेटरी। ये हिस्ट्री है गामा फंक्शन की। देखिए, सब प्रॉपर्टीज में आते हैं हम। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि जनरल प्रॉपर्टी होती है, देखिए, द अदर इम्पोर्टेंट फैक्टोरियल इक्वेशन फॉर द गामा फंक्शन आर यूलर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, दैट इज गामा ऑफ वन माइनस जेड गामा ऑफ जेड इक्वल टू पाई ऑफ साइन पाई जेड, विच इम्प्लाइज गामा ऑफ एप्सिलॉन माइनस एन इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन गामा ऑफ माइनस एप्सिलॉन गामा ऑफ वन प्लस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एन प्लस वन माइनस एप्सिलॉन। एंड द डुप्लीकेशन फार्मूला इज गामा ऑफ जेड प्लस वन बाय टू इक्वल टू 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 द पावर वन माइनस टू जेड रूट ओवर पाई गामा ऑफ टू जेड। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जेड की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। गामा ऑफ जेड प्लस वन और जेड ऑफ गामा ऑफ जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर ऑफ जेड डी टी, सो दैट प्रोडक्ट ऑफ एन इक्वल टू एन का फैक्टोरियल फॉर एवरी नॉन निगेटिव इंटीजर एन यूजिंग द पाई फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन फार्मूला टैक ऑन द फॉर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ जेड प्रोडक्ट ऑफ माइनस जेड इक्वल टू पाई ऑफ जेड अपॉन साइन पाई ऑफ जेड। यहाँ से इसकी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं वन अपॉन, इसको एक नाम दे देते हैं साइन सी ऑफ जेड, वेयर साइन सी इज़ द नॉर्मलाइज्ड ऑफ साइन सी फंक्शन वाइल द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम टेकन ऑन द फॉर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ जेड बाई एम इंटू प्रोडक्ट ऑफ जेड माइनस वन बाई एम डैश डैश प्रोडक्ट ऑफ जेड माइनस एम प्लस वन डिवाइड बाई एम इक्वल टू टू पाई पावर एम माइनस वन बाई टू एम की पावर माइनस जेड माइनस वन बाई टू प्रोडक्ट ऑफ जेड। सेकेंड इज पाई आई फंक्शन। पाई ऑफ जेड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जेड प्लस वन इक्वल टू जेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जेड सॉरी गामा ऑफ जेड इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव ई टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर जेड ऑफ डी टी, सो दैट
प्रोडक्ट ऑफ एन इक्वल टू एन का फैक्टोरियल फॉर एवरी नॉन नेगेटिव इंटीजर एन यूजिंग द पाई फंक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन फार्मूला टैक्स ऑन द फॉर्म. तो प्रोडक्ट ऑफ जेड प्रोडक्ट ऑफ माइनस जेड इक्वल टू पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड इक्वल टू वन अपॉन साइन सी ऑफ जेड दैट इज नॉर्मलाइजर ऑफ साइन सी. एंड अल्टरनेटिव नोटेशन विच वॉज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय गॉस एंड विच वॉज समटाइम्स यूज इन द पाई फंक्शन विच इन द टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन. We also sometimes find pi of z equal to 1 upon product of z, which is an entire function defined for every complex number just like a reciprocal gamma function. That's pi of z is an entire entice. It has no poles, so pi product of z like gamma of z has no zeros. That is, V of n r1 dash dash r2 r1 r2 dash dash rn equal to pi ki power n by 2 divided by product of n by 2 into product of k equal to 1 to n rk. Third is particular values. ये हमारे पास कुछ values होती हैं जो गामा के form पे रहती हैं, जैसे कि product गामा ऑफ माइनस वन इक्वल टू होता है माइनस टू का फैक्टोरियल, क्योंकि जो वैल्यू है अपने पास वो निगेटिव है इसलिए उसका आंसर होता है आपके पास इन्फिनेटिव. सेम इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि माइनस वन का फैक्टोरियल इक्वल टू इन्फिनेटिव. प्रोडक्ट गामा ऑफ वन इक्वल टू जीरो का फैक्टोरियल वन. गामा ऑफ टू इक्वल टू वन का फैक्टोरियल यानी वन. गामा ऑफ थ्री इक्वल टू टू का फैक्टोरियल यानी टू. गामा ऑफ फोर इक्वल टू थ्री का फैक्टोरियल इक्वल टू सिक्स. इस तरीके से हमारे पास कुछ ये वैल्यूज होती हैं. फोर्थ इज इनफाइनाइट लिमिट. द फर्स्ट डेफिनेशन नेम्ड आफ्टर यूलर इज गामा ऑफ जेड इक्वल टू इज इक्विवेलेंस लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनेटिव वन टू थ्री डैश डैश एन अपॉन जेड ऑफ जेड प्लस वन जेड प्लस टू डैश डैश जेड प्लस एन इंटू एन का स्क्वायर. जहाँ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड निगेटिव वैल्यूज दैट इज माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री दैट इज इक्वेशन वन. दिस डेफिनेशन इज यूजफुल इन डेवलपिंग द इनफाइनाइट प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ गामा जेड. हियर जेड मे बी द आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स रिप्लेसिंग ऑफ जेड विथ जेड प्लस वन. वी है जहाँ पे जेड है आपके पास वहाँ आप जेड प्लस वन पुटअप कर दीजिए. तो गामा ऑफ जेड प्लस वन इज इक्विवेलेंस ऑफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव वन टू थ्री डैश डैश ऑफ एन अपॉन जेड प्लस वन जेड प्लस टू जेड प्लस थ्री डैश डैश जेड एन प्लस जेड प्लस एन प्लस वन इंटू एन टू द पावर जेड प्लस वन. इसी को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है जेड ऑफ गामा जेड दैट इज़ अ इक्वेशन नंबर टू. दिस इज अ बेसिक फंक्शनल रिलेशन फॉर जी ऑफ जेड. आल्सो फ्रॉम द डेफिनेशन गामा ऑफ वन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव वन टू थ्री डैश डैश एन अपॉन वन टू थ्री एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन. इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है यहाँ पे एन, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे सारी चीज़ें आपके पास कैंसिल हो जा रही हैं. तो वही जो हमारे वहाँ पे हमने देखा था वैल्यू, वही सारी वैल्यू आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रही हैं. फिफ्थ इज डिफाइनाइट इंटीग्रल, जिसको आप यूलर्स फॉर्म के नाम से भी जानते हैं. देखिए अ सेकंड डेफिनेशन आल्सो फ्रीक्वेंटली कॉल्ड यूलर्स फॉर्म इज गामा ऑफ जेड इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटिव ई टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर जेड माइनस वन ऑफ डी टी वेयर आर ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जीरो दैट इज इक्वेशन नंबर फाइव. द रेस्ट्रिक्शन ऑन जेड इज नेसेसरी टू अवॉइड डी डाइवर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल. व्हेन जी ऑफ जेड डज अपियर इन फिजिकल प्रॉब्लम इट इज द ऑफन इन दिस फॉर्म और सम वेरिएशन सच एज गामा ऑफ जेड इक्वल टू टू जीरो टू इन्फिनेटिव ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर टी टू द पावर टू जेड ऑफ माइनस वन ऑफ डी टी. तो यहाँ से उसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिल जाता है गामा ऑफ जेड इक्वल टू जीरो टू एन वन इंटू एन वन अपॉन टी की पावर जेड माइनस वन ऑफ डी टी. वैन जेड इक्वल टू वन बाई टू फ्रॉम इक्वेशन फाइव जो हमने लिया था फाइव एंड सिक्स इज जस्ट गॉस एरर फंक्शन एंड वी हैव द इंटीग्रल रिजल्ट गामा ऑफ वन बाई टू इक्वल टू रूट ओवर पाई. शो
द इक्विवेलेंस ऑफ दिस टू डेफिनेशन कंसिडर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स इज टू एफ ऑफ जेड इन कॉमा एन इक्वल टू जीरो टू एन वन माइनस टी बाई एन टू द पावर एन टी टू द पावर जेड माइनस वन ऑफ डी टी विथ एन इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपके पास एन आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हमको वहाँ से मिल जाता है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव वन माइनस टी बाई एन की पावर एन इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी। जिसको अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर देते हैं तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव एफ ऑफ जेड एन एफ ऑफ जेड कॉमा इन्फिनेटिव जीरो टू इन्फिनेटिव ई टू द पावर माइनस टी टू द पावर जेड माइनस वन ऑफ डी टी इज इक्विवेलेंस ऑफ गामा जेड फ्रॉम इक्वेशन फाइव। रिटर्निंग द टू एफ ऑफ जेड कॉमा एन वी इवॉल्वेट इन सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर कन्विंस लेट यू इक्वल टू टी बाई एन। तो एफ ऑफ जेड कॉमा एन इक्वल टू एन टू द पावर ऑफ जेड 0 टू 1, 1 माइनस यू टू द पावर एन यू टू द पावर जेड माइनस वन ऑफ डी यू। यहाँ पे आपके पास u है उसको अपन t बाई एन माना है यहाँ पे। तो f ऑफ z कॉमा n अपॉन n की पावर z इक्वल टू 1 माइनस यू टू द पावर एन यू टू द पावर जेड ऑफ जेड सच दैट ऑफ 0 टू 1 प्लस n ऑफ z 0 टू 1, 1 माइनस यू टू द पावर n माइनस 1 यू टू द पावर जेड ऑफ डी यू। Repeating this, we finally get f of z comma n equal to n to the power z n of n minus 1 dash dash 1 upon z of z plus 1 dash dash z plus n minus 1 0 to 1 integration of 0 to 1 u to the power z plus n minus 1 of du is equal to 1 comma 2 1 2 into 3 dash dash of n upon z z plus 1 z plus 2 dash dash z plus n into n to the power of z. That is the equation number 14. This is identical with the expression on the right side of equation 1. Hence jo aapke paas equation 1 hai wahan pe dekhiyega limit n tends to infinity f of z comma n equal to f of z comma infinity is equivalence of gamma of z. Equation 1 is completing the proof. 6 is infinite product. The third definition is 1 upon gamma of z is equivalence to z of e to the power gamma z product of n equal to 1 to infinity 1 plus z by n e to the power minus z by n, where gamma is the Euler-Mascheroni constant. The gamma equal to limit n tends to infinity 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus dash dash 1 by n minus 1 n into n. इसकी वैल्यू आप वहाँ पे जब अपन देखे थे स्टार्टिंग पूरी वैल्यूज लिखी हुई थी वहीं से लिखा हमने। दिस फ्रॉम कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल डेफिनेशन बाय राइटिंग इट ए गामा ऑफ जेड इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव 1 2 3 डैश डैश एन अपॉन जेड जेड प्लस 1 डैश डैश जेड प्लस एन इंटू एन टू द पावर ऑफ जेड। तो लिमिट 1 बाय जेड, ये 1 बाय जेड को अपन बाहर ले लिए, बाकी सबको प्रोडक्ट के साथ में कर दिए हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एम इक्वल टू 1 टू एन 1 प्लस जेड बाई एम टू द पावर माइनस 1 ऑफ एन टू द पावर जेड। Inverting and using n to the power minus z equal to e to the power minus 1 n into n of z, we obtain 1 upon gamma of z equal to z limit n tends to infinity e to the power minus 1 n into n of z product of m equal to 1 to n 1 plus z by m multiplying and dividing by। यहाँ से हम लोगों ने लिमिट को हटा दिया है, लिमिट हटाने पे यहाँ पे आपके पास एक एक्सपोनेंट मिलेगा। तो एक्सपोनेंट ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2 1 बाई 3 डैश डैश 1 बाई एन ऑफ जेड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एम इक्वल टू 1 टू एन ई टू द पावर जेड बाई एम। वी गेट 1 अपॉन गामा ऑफ जेड इक्वल टू जेड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव एक्सपोनेंट 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 डैश डैश प्लस 1 बाई एन माइनस 1 एन इंटू एन ऑफ जेड
इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव प्रोडक्ट ऑफ एम इक्वल टू वन टू एन वन प्लस जेड बाई एम ई टू द पावर माइनस जेड बाई एम देयर फोर वन अपॉन गामा ऑफ जेड इज इक्विवेलेंस ऑफ जेड ई टू द पावर ऑफ गामा जेड प्रोडक्ट ऑफ एन इक्वल टू वन टू इन्फिनेटिव वन प्लस जेड बाई एन इंटू ई टू द पावर माइनस जेड बाई एन. सेवन्थ इज फैक्टोरियल नोटेशन. फैक्टोरियल नोटेशन के लिए अपन देखते हैं इक्वेशन नंबर 5 से कैन बी रिटन एज 0 टू इन्फिनेटिव ई टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर ऑफ जेड डी टी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ जेड का फैक्टोरियल. टू डिफाइन अ फैक्टोरियल फंक्शन जेड का फैक्टोरियल. द फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ इक्वेशन 5 इज ऑफ कोर्स इज रिलेटेड टू द गामा फंक्शन बाय गामा ऑफ जेड इक्वल टू जेड माइनस वन का फैक्टोरियल एंड गामा ऑफ जेड प्लस वन इक्वल टू जेड का फैक्टोरियल. इफ जेड इक्वल टू एन अ पॉजिटिव इंटीजर वी हैव जेड का फैक्टोरियल यानी एन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन इंटू टू इंटू थ्री डैश डैश एन. हाउएवर इट शुड बी नोटेड क्लियरफुली दैट जेड का फैक्टोरियल इज नाउ डिफाइंड बाय द फैक्टोरियल फंक्शन इज नो लॉन्गर लिमिट टू पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट. द डिफरेंस रिलेशन ऑफ इक्वेशन टू बिकम जेड माइनस वन का फैक्टोरियल इक्वल टू जेड का फैक्टोरियल अपॉन जेड. दिस सो दैट इमिडिएटली दैट जीरो का फैक्टोरियल इक्वल टू वन एंड वन एन का फैक्टोरियल इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ इन्फिनेटिव. एट डबल फैक्टोरियल नोटेशन. डबल फैक्टोरियल नोटेशन में देखिए इन मेनी प्रॉब्लम्स वी इनकाउंटर प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑड और इवन पॉजिटिव इंटीजर फॉर कन्वेनियंस दिस आर गिवन स्पेशल लेबल्स एज डबल फैक्टोरियल दैट इज वन इंटू थ्री इंटू फाइव डैश डैश टू एन माइनस वन इक्वल टू टू एन प्लस वन डबल फैक्टोरियल एंड 2 into 4 into 6 dash dash 2n equal to 2n का double factorial. Clearly, these are related to the regular factorial by 2n plus 1 double factorial equal to 2n plus 1 factorial upon 2 to the power n of n का factorial. Ninth is digamma function. As many be noted from the three definition in the previous section, it is inconvenience to deal with the derivatives of the gamma of factorial function directly. Instead, it is the customary to take the natural logarithm of the factorial function equation 5. Convert the product to a sum and then differentiate, that is z ka factorial equal to z of gamma z equal to limit n tends to infinity n ka factorial upon z plus 1 z plus 2 dash dash z plus 1 into n to the power of z and 1 of n z ka factorial equal to limit n tends to infinity 1 n n ka factorial plus z 1 n into n minus 1 n into z plus 1 minus 1 n z plus 2 dash dash minus 1 n into z plus n. Differentiating with respect to z we obtain, ये देखिए इसको हम partial differentiate कर दे रहे हैं, which define f of z the digamma function from the definition of the Euler constant. The above equation may be rewritten as f of z equal to minus gamma minus summation of n equal to 1 to infinity 1 upon z plus n minus 1 by n. इसी को आप दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं minus gamma plus summation of n equal to 1 to infinity z upon n of z n of z plus n plus z. ये आपके पास रेफरेंस है जो कि हम लोगों ने सिर्फ एच के पाठक सर की बुक को ना लेकर के बाकी जो और भी बाहर के हैं उसमें से भी लिए हैं. थैंक यू सो मच.